हेलो, कौन भाई? यार मैं कलुआ। हाँ हाँ कलुआ। हाँ बोलो भाई। मैं कोई भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, उस पे व्यू ही नहीं आते। हाँ तो वीडियो अच्छी बनाओ ना यार। यार वीडियो तो अच्छी बनाता हूँ पर व्यू ही नहीं आते यार। अच्छा ये बता, तुम्हारा CTR कितना है भाई? 5%। 5%? हाँ हाँ 5%। तो यार अपनी CTR बढ़ाना, जितना तेरा CTR हाई रहेगा उतना ही तो व्यू आएंगे। भाई अब तो तू ही बता दे, ये CTR कैसे बढ़ाएं? भाई यार ये CTR क्या होता है? यार अब तू कौन है यार? मेरा नाम है टेलू। अच्छा रुक जा बताता हूँ। CTR का फुल फॉर्म होता है क्लिक थ्रू रेट। इसे तुम सिंपल तरीका से समझो, जैसे तुम अपनी वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड किया और उस वीडियो को यूट्यूब ने 100 लोगों को दिखाया, तो जो 100 है वो इम्प्रेशन होगा, मतलब तुम्हारा इम्प्रेशन होगा 100, और 100 लोगों में से अगर 10 लोग उस पे क्लिक करते हैं तो तुम्हारा CTR होगा 10%, और जितना ज्यादा क्लिक आएंगे उतना ही इम्प्रेशन यानी यूट्यूब लोगों के पास ज्यादा भेजेगा और तुम्हारी वीडियो पे व्यू की बारिश होगी। समझे भाई? हाँ हाँ भाई समझ गया। तो गाइस इस वीडियो में हम और आप ये जानने वाले हैं कि ऐसा क्या करने से हमारा CTR बढ़ने वाला है, और इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी के CTR काफी बढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मेरा CTR तुम देख लो भाई। मेरे सारे वीडियो का CTR 11% से तो ज्यादा ही होते हैं, और किसी किसी वीडियो का CTR तो 20% से 25% है, और उसपे व्यू भी काफी ज्यादा है। सो इस वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ 5 ऐसे स्टेप बताऊंगा जिससे तुम्हारे CTR काफी बढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। टिप्स नंबर 1, सिंपल एंड इजी थंबनेल। मतलब ऐसा थंबनेल बनाओ जिसे देखते ही ये पता चल जाए कि वीडियो में होने क्या वाला है। जितना ही थंबनेल सिंपल होगा उतना ही बेस्ट होगा। तुम मेरी ये वाली थंबनेल देख लो जिसकी CTR 20% है, और इसमें रेक फोटो की ऑडियो को फाइल मैनेजर में कैसे सेव करनी है वो मैंने बताया है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ रही थी इस ऐप में तो मैंने इसे सॉल्व करके बताया है। देख सकते हैं मैंने एक आइकॉन लिया और यहाँ पे फाइल मैनेजर का भी ऑप्शन ला दिया। ये थंबनेल काफी यूनिक मैंने बनाया था और इसपे CTR काफी हाई था, जिससे मेरे इसपे 2K व्यू होने हैं, जिससे इस पे काफी ज्यादा व्यू आए हैं। तो तुम भी कुछ दिमाग लगाओ और डेफिनेटली तुम्हारा CTR हाई होगा। भाई मैं एक एग्जांपल दूं? हाँ भाई दो। भाई ये थंबनेल को देखो, इन्हें देखते ही ये पता चल रहा है कि वीडियो में होने क्या वाला है। जैसे ये भारी की जवानी। भाई ऐसे थंबनेल में देखते ही पता चल जाता है वीडियो में होने क्या वाला है। साले तू मेरा चैनल डिलीट कराएगा क्या? जल्दी हटा। बुरा लगता है भाई आपका। टिप नंबर 2, यूज अट्रैक्टिव बैकग्राउंड। अब यार थंबनेल में जो बैकग्राउंड है उसमें तुम अट्रैक्टिव कलर को यूज कर सकते हो या अट्रैक्टिव बैकग्राउंड को भी यूज कर सकते हो, जिससे लोग तुम्हारे थंबनेल पर अट्रैक्ट होंगे और उसपे क्लिक भी कर देंगे। अब अगर तुम्हें ये पता नहीं है कि अट्रैक्टिव कलर क्या होते हैं तो तुम गूगल पे सर्च करके पता कर सकते हो। टिप नंबर 3, यूज बोल्ड एंड सिंपल फॉन्ट। अब मान लो कि अट्रैक्टिव कलर को यूज कर लोगे और यूज करके लोगों का ध्यान जब थंबनेल पर आएगा तो सबसे पहले उस पे जो लिखा हुआ रहता है उस पे लोगों का ध्यान जाएगा। सो जितना तुम बोल्ड एंड सिंपल फॉन्ट को यूज करोगे उतना ही लोग उस टेक्स्ट को पढ़ पाएंगे, और अगर तुम्हें बोल्ड फॉन्ट चाहिए तो तुम गूगल करके पता कर सकते हो कि कौन कौन से बोल्ड फॉन्ट होते हैं, और अगर तुम ऐसा फॉन्ट को यूज करोगे तो लोग तो यही बोलेंगे, ये क्या है, ये तो टट्टी है। टिप नंबर 4, यूज अट्रैक्टिव फेस। मतलब अगर तुम फेस कैम वीडियो बनाते हो तो तुम कुछ ऐसा क्रेजी रिएक्शन फोटो को अपने थंबनेल में यूज कर सकते हो। अगर तुम वॉइस ओवर वीडियो को बनाते हो तो तुम ऐसे इमोजी को यूज कर सकते हो और तुम अपने थंबनेल से लोगों को कनेक्ट कर पाओगे। भाई मैं तो सोच रहा हूँ कि सन्नी लियोनी और मिया खलीफा फोटो यूज करूं, इस पे लोग काफी क्लिक करने वाले हैं यार। तू कभी नहीं सुधरेगा, यूज कर फोटो कोई बात नहीं, इन जैसे महान लेडीजों की फोटो तुम यूज करोगे तो कमेंट बॉक्स में खाली तुम्हें गाली ही मिलने वाली है। टिप नंबर 5, शॉर्ट एंड कैची टाइटल। भाई लोग सबसे पहले आपके थंबनेल को देखते हैं, थंबनेल के बाद लोग टाइटल को देखते हैं, और अगर तुम अपना टाइटल सही तरीके से नहीं लिखते हो तो सारा मेहनत बर्बाद होने वाला है। तो अपनी टाइटल को शॉर्ट रखना है और उसमें कुछ इमोजी भी यूज करना है जिससे टाइटल भी काफी अट्रैक्टिव लगेगा, और ट्राई करो कि ऐसे ग्रांटेड इजी ऐसे वर्ड को यूज करो ब्रैकेट देकर जिससे लोगों को लगेगा बंदा गारंटी दे रहा है या इसके लिए काफी इजी है ये, और टाइटल और थंबनेल दोनों मैच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि टाइटल कुछ और कह रहा है और थंबनेल कुछ और। तो यही थी कुछ
टिप्स यूज करो, 100% आपकी CTR बढ़ेंगे। सो, इस वीडियो को बनाने में तो काफी मेहनत लगी है, तो लाइक कर देना यार। सो, अगर तुम चाहते हो कि हाई CTR थंबनेल कैसे बनाते हैं उस पे भी मैं एक वीडियो लाऊं, तो तुम कमेंट करो थंबनेल। वैसे मैंने वीडियो में कुछ अलग ही ट्राई किया है, तो कमेंट करके जरूर बताना कि तुमको ये फनी वीडियो कैसा लगा है जो मैं कुछ नया ट्राई किया हूं। माँ, ये दुनिया बहुत बुरी है माँ, लोग यहाँ पे वीडियो भी देख लेते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते। माँ भाई अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर देना। रोहित कोई गाना चला यार।